उज्जैन के निजातपुरा में रहने वाले वृद्ध दंपति अपने परिवार के सदस्यों के साथ उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के पास पहुंचे और वृद्ध दंपति ने लिखित में शिकायत की और अपनी समस्या बताई कि उन्होंने करीब 65 वर्ष पहले मकान को खरीदा था, जिसके सारे दस्तावेज उनके पास पूर्ण हैं और वह और उनका परिवार वहां पर 65 वर्ष से निवास कर रहा है, पर अब कुछ लोग उनको डरा धमका रहे हैं, इसकी वजह से वह बेहद परेशान है। वृद्ध और उनके परिवार के सदस्यों ने अपनी पीड़ा उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के पास बताई। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने जांच के निर्देश दिए हैं और वृद्ध परिवार की मदद करने का आश्वासन भी दिया है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और किस प्रकार से आज प्रसाद राय है जी, मेरा मकान नंबर 79 निजातपुरा नजर अली मार्ग है। इस मकान में हम सन 60 से रह रहे हैं और अभी अभी 2012 से, और अभी एकदम 11वें महीने में एक सज्जन आया और वो सुनील बागरेचा नाम है उसका, खाचरुद का रहने वाला है। वो हमारे मकान पर कब्जा करने की बात कर रहा है और नोटिस वगैरह दे रहा है कि ये मकान हमारा है। आपने इस बारे में आपके जो थाना क्षेत्र है वहाँ पर शिकायत वगैरह समस्या, हमने 11वें महीने से कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया था, एसपी साहब को भी आवेदन दिया 11वें महीने में, उसके बाद सेंटर कोतवाली में दिया, लेकिन हमारी कार्रवाई आज तक नहीं हुई। जनसुनवाई में किस प्रकार शिकायत की गई है और क्या दिक्कत है और क्या समस्या बताइए। यही शिकायत करने आए थे हम यहाँ पे जनसुनवाई में कलेक्टर साहब। क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? समस्या ये आ रही है कि मकान पे जो इंसान कब्जा करना चाहता है उसी लिए। उसका नाम बताओ, उसका नाम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।